नमस्ते, मैं नासिक से आया हूँ यहाँ पे। मेरा नाम सर्वेश जोशी है, मैं भी नासिक से आया हूँ। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हो? कर्नाटका। कर्नाटका। हैदराबाद से आया हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। ओके। हम लोग नोएडा से आए हैं। बेंगलोर से। बेंगलोर से। मैं दिल्ली में जयपुर से आया हूँ। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को ऑटो जो भी आप गाड़ी से आएंगे तो वहाँ पे पार्क करके गाड़ी को सामने बिल्कुल उसके बिल्कुल सामने फ्रंट में आपको टिकट मिल जाएगी। यहाँ पे तीन टाइप की टिकट मिल जाएगी है, जिसमें आपको एक टिकट मिलेगी सिर्फ एंट्री टिकट, एक मिलेगी व्यू पॉइंट जो कि आपको जो स्टैचू है उसके चेस्ट तक लेके जाते हैं, वहाँ से एक विंडो व्यू होता है जहाँ से आप बिल्कुल वो जो डैम का नज़ारा है वो देख सकते हो, और एक होती है एक्सप्रेस, और एक का प्राइस है 150 रुपीज़ जो आपको एंट्री टिकट है, और जो व्यू वाली है उसका प्राइस है 380, और जो एक्सप्रेस है उसका प्राइस है 1000। और जब आप टिकट ले लोगे तो टिकट के बिल्कुल साइड में ये आपको बस मिल जाएगी, शटल बस है ये, आपको पूरा एसी बस है ये, पूरा आपको घुमाएगी जो भी इनके व्यू पॉइंट होंगे, और उसके बाद आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी में छोड़ देगी। तो भाई बस छोड़ देती है आपको यहाँ पे, यहाँ से 5 मिनट्स की वॉक है स्टैचू की तरफ। तो भाई जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सबको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, 182 मीटर इसकी हाइट है, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, और जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना। और आप लोगों को पता होगा इसका नाम यूनिटी क्यों रखा गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो अगर इतिहास जानते हैं उन्हें पता होगा कि देश को एक करने में इनका सबसे बड़ा हाथ था, कि जैसे कुछ एक रियासतें थी जो मिलना नहीं चाहती थी इंडिया में या हिंदुस्तान में, तो उनको मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और तभी इसी स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा था। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, ये बनी है जो सरदार सरोवर डैम है ना उसके बिल्कुल पास में है। मैंने एक यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखी है इस स्टैचू के बारे में, और स्टैचू दिखने में भी ज़बरदस्त है, मैं लोगों का ओपिनियन मानूँ, क्योंकि अभी ये उतना ओपन नहीं हुआ, मतलब ओपन हो गया बट बहुत सारा काम रिसोर्ट वगैरह बन रहे हैं ना, तो पूरा कंप्लीट होने में अभी भी इसको 1 ईयर लगेंगे, तब तक पूरा क्राउड हो जाएगा, टूरिस्ट बहुत सारे हो जाएंगे, अभी भी है बट थोड़े कम है। और मैंने इसकी वीडियो देखी थी, एक राठी नाम से है, पता नहीं मुझे, मैंने उसकी वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखी थी, और दोनों बाद उनकी जो ओपिनियन थे या जो फैक्ट के बारे में वो लोग बात कर रहे थे, मेरे को तो वो फैक्ट बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगे, क्योंकि अगर आप इस स्टैचू को यहाँ पे आके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि रियली में स्टैचू कितना अच्छा है और कितनी अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है। और बनाने के पीछे क्यों है, क्योंकि हमारा इंडिया जो होता है ना वो जाना जाता है इतिहास के बारे में, और अगर आप लोग इतिहास से रिलेटेड कुछ भी देखना चाहते हो तो आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने देश के लिए क्या काम किया था, तो ये स्टैचू बनाना तो बनता था, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने स्टैचू बनाया है, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू, ये जो चाइना में जो बुद्धा का स्टैचू है ना उससे भी 29 मीटर बड़ा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसमें स्टील का यूज़ किया गया ना वो स्टील पूरे ही इंडिया में कलेक्ट करके लाए हैं, क्योंकि यूनिटी के तौर पे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, उनकी यूनिटी के तौर पे पूरा कलेक्ट करके लाए हैं। और अब मैं जाऊँगा इसके जो कि यहाँ तक एक लिफ्ट जाती है चेस्ट तक, इसके अंदर भी म्यूजियम है, और काफ़ी अच्छे सॉन्ग बज रहे हैं जो कि देशभक्ति से रिलेटेड है, और एक शाम को यहाँ पर एक लेजर शो भी होता है, मैं शाम को रुकूंगा नहीं, वरना वो लेजर शो भी दिखाता, बहुत प्यारा होता है वो। तो भाई अभी हम लोग हैं स्टैचू है ना उसकी जो बिल्डिंग जो फर्स्ट लेयर है उनके नीचे, अभी हम जा रहे हैं इसके जो 122 मीटर की हाइट पे, जहाँ से आगे व्यू पॉइंट है विंडो व्यू पॉइंट, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की चेस्ट के पास से निकाला गया है, वहाँ से पूरा एक नंबर का व्यू पॉइंट आता है। और लाइन दिखा देता हूँ मैं कितनी लंबी लग रही है, हमें जाना पड़ेगा पूरा पीछे, पता नहीं कब तक नंबर आएगा बट अब जाना तो है ही, नंबर तो आएगा, नंबर क्यों नहीं आएगा यार भाई।
मैं लाइन दिखा सकता हूँ आपको कितनी लग रही है। मम्मी जी कितना बड़ा स्टैचू है? है हनुमान जी का तो बड़ा है हैं ना बड़ा है तो लाल लाल बना रखी थी प्लेन। से आप लोगों को मिल जाएगा डैम का व्यू। मेरा वाइड एंगल लेंस है तो पूरा कम्प्लीटली आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट यहाँ से पूरा डैम का व्यू मिल रहा है आप लोगों को। इस पे तो आधे लोग आ ही नहीं रहे हैं। ये तो वो वाला है, OMG वाला। इतना बड़ा स्टैचू है ये। हेलो, किस स्टैचू की हाइट आप पता कर सकते हो कितनी है? मैं इनके अंगूठे के बराबर भी नहीं हूँ। शिट, मेरी हाइट और अंगूठा स्टार्ट होता है यहाँ से। अंगूठा स्टार्ट होता है यहाँ से। वो स्टैचू इतना बड़ा है, हेलो, कितना भी बड़ा वाइड एंगल लेंस हो एक फ्रेम में कभी भी कवर नहीं कर पाओगे इसको। ओह माय गॉड, बताओ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, पता चला ना। कैसा लगा ये आपको? माय पर रह गया है। शिट, जबरदस्त है। और पूरे लोहे का बना हुआ है ये, पूरा लोहा है, लोहा है पूरा, देख कंक्रीट नहीं है इसमें, कंक्रीट तो इसके उसमें है बीच में। सही में? हाँ ले आया था, बोल्ट मंगन गया जब बोले जी दे दो गाड़ी लेके गया जब। अच्छा, क्या बोले थे? सही खुरपो दे दो, सीधा राती दे दो, लो दे दो, लोहा मंगा था ना। हाँ, सब गाँव को लो। तो भाई मैंने बताया था ना कि पूरे इंडिया में लोह कलेक्ट किया गया था इस स्टैचू के लिए, आयरन, वो एक ही बात है, लोहर आयरन। इस स्टैचू को बनाने के लिए, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनका दूसरा नाम लोह पुरुष भी बोलते हैं इनको। चलो भाई, चलो। तो चलो मैं आप लोगों को ना कुछ लोगों का ओपिनियन पूछते हैं कि उन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी आके कैसा लगा और ये जो स्टैचू बनाया गया है कैसा है। मैं नासिक से आया हूँ यहाँ पे। नासिक से? हाँ, नासिक महाराष्ट्र से मैं आया हूँ, और स्टैचू देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतनी बड़ी मूर्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी, और देख के मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। आप बता सकते हो? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हो? हाँ। कैसा है स्टैचू आपको? एकदम सही लगा। अच्छा लगा ना? हाँ। चलो थैंक यू। आप कहाँ से आए हो? हैदराबाद से आया हूँ। और स्टैचू कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। हम अनिल कुमार है। ओके, हम लोग नोएडा से आए हैं। नोएडा? यस। तो स्टैचू कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मोदी जी का बहुत बढ़िया काम किया। मैं दिल्ली मुजफ्फरपुर से आया हूँ, और ये स्टैचू जो सरदार पटेल की मूर्ति है मेरे को बहुत अच्छी लगी है। ये मोदी जी ने ना बहुत बेहतरीन चीज़ बनाई है, जिसको देख के मज़ा आ गया है। सर कहाँ से आए आप? बेंगलोर से। बेंगलोर से। स्टैचू कैसा लगा आपको? एक्सेलेंट। एक्सेलेंट, जिंदगी में एक बार देखना है। देखना है, देखना है। अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज़ है। और फैसिलिटी मतलब जैसे कि मैम को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चलो। टेक्नोलॉजी बिल्कुल One has to see in the facilities made by the this management. Okay. Dr. Shed for the government. Thank you, sir. Thank you. Excellent. One has to in the life one has to see. I will advise all my friends. Right. Juniors and seniors to visit once again. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Right. Thank you very much for help. तो देख लो भाई, 80 प्लस एज के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, और उन्हें भी स्टैचू इतना ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने उनका ओपिनियन आप लोगों को बताया, तो फैसिलिटी पूरी है। अगर आप बूढ़े लोगों के साथ भी आ रहे हो तो आप व्हील चेयर मिलती है और एलिवेटर होती है जो सीधा कनेक्ट आपको स्टैचू से करती है। तो और बट यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई कितना भी अच्छा काम कर लो उसमें नेगेटिव पॉइंट ही ढूंढते हैं, तो ये सब अवॉइड करो यार, बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल विजिट करना चाहिए सबको एक बार लाइफ में, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे नंबर वन चीज़ है। अगर वर्ल्ड क्लास की कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें इन्वेस्ट भी उतना ही करना पड़ता है, और जब चीज़ इतनी अच्छी हो तो कुछ कर नहीं सकते।
और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ लेजर शो होता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरी ट्रेन है आज ही शाम की, मुझे वापस जाना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा। एंड सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग वीडियो, अगर नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा काफ़ी जल्दी वीडियो डालूँ। तो टिल देन बाय।